नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी के स्पेशल लाइव फोन इन प्रोग्राम में। अगर आपके पास कोई भी सवाल है, गाइडेंस, ये हमारा स्पेशल प्रोग्राम है, सहयोग गाइडेंस फॉर मेंटल वेलबींग। अगर आपके पास कोई स्ट्रेस है, कोई प्रॉब्लम है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर। आप हमें ईमेल कर सकते हैं cieet.kishormanch@gmail.com पर भी। क्योंकि आजकल पेंडेमिक चल रहा है, COVID-19 चल रहा है, इसीलिए एनसीईआरटी ने अपनी वेबसाइट पर एक काउंसलर्स की लिस्ट को अपडेट किया है, www.nceert.nic.in। अगर आप चाहें तो आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं कभी भी, और वो लिस्ट आप ही के लिए है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। आज जो इस सेशन में हम बातचीत करने वाले हैं वो है मोटिवेशनल स्ट्रैटेजीज़ पर, मोटिवेशनल स्ट्रैटेजीज़ फॉर लर्निंग ऑनलाइन ड्यूरिंग द पेंडेमिक। स्टूडेंट्स को बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं, तो उन्हीं बारे में हम इस सेशन में चर्चा करेंगे। आइए मिलते हैं हमारे एक्सपर्ट से। हमारे साथ मौजूद हैं मिस दीपमाला। वेलकम मैम। नमस्कार तन्वी। नमस्ते मैम। मैम हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी एंड फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी से, और उन्हीं के साथ हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद हैं, मिस्टर कुंवर प्रतीक सिंह। स्वागत है आपका सर। थैंक यू मैम। सर हैं प्रैक्टिसिंग काउंसलर, तो आइए और टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और शुरू करते हैं कि सबसे पहला जो सवाल है कि हमें मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है ऑनलाइन लर्निंग के लिए, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप दोनों से इसका जवाब देने के लिए। पहले दीपमाला मैम, कैन यू प्लीज बिगिन? या तन्वी, तन्वी थैंक यू सो मच, एंड आई वुड आल्सो लाइक टू वेलकम आवर व्यूअर्स आल्सो। दे मस्ट बी वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन दिस क्वेश्चन कि ऑनलाइन लर्निंग में मोटिवेशन कैसे किया जाए। आप ये क्वेश्चन का आंसर क्यों की जरूरत, तो उनसे आप पूछेंगे तो पेरेंट्स विल बी द फर्स्ट पर्सन टू स्पीक अप। बच्चे इतने ज्यादा डिसइंटरेस्टेड हो रहे हैं लर्निंग में कि दे डोंट इवन सिट अप, दे डोंट डू देयर असाइनमेंट, एंड लर्निंग इज काइंड ऑफ अ कोर, मतलब डेली चोर की उनको जबरदस्ती करना पड़ रहा है। इट्स नॉट अ इंटरेस्ट वाली बात, तो दूर दूर तक उससे रिलेट ही नहीं हो रही है। दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, जो एक पुश रहता था, जो टीचर का डे टू डे एनकरेजमेंट रहता था, वो थोड़ा मिसिंग हो गया है लाइफ से, थोड़ा क्या ज्यादा मिसिंग हो गया है। तो बच्चे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं अपनी लर्निंग से। तो क्या किया जाए, इस क्वेश्चन से हम सभी, पूरा सिस्टम जूझ रहा है कि किस तरह उनको इस लर्निंग में ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए उनका, किस तरह उन्हें पुश किया जाए कि वो खुद ज्यादा सेल्फ रेगुलेटेड हो, ज्यादा अपनी लर्निंग में इंटरेस्ट लेकर आगे बढ़े। राइट जी, बिल्कुल। सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। एक्चुअली हुआ क्या है, कोविड के आने के बाद हमारी जिंदगी जो है वो नॉर्मल नहीं रही। डिजिटल इंटरनेट पे हमारी जो डिपेंडेंसी है वो बहुत बढ़ती जा रही है, या ऑलमोस्ट बढ़ चुकी है। ऐसे में प्रॉब्लम ये हुई है कि हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं उस डिजिटल पे, जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं या ऑनलाइन मोड है, या जो भी हमारे अंदर चेंजेस आए हैं आफ्टर लॉकडाउन, या अब तो खैर अनलॉक होने लगा है। इसके बाद से स्टेबिलिटी, या वो जो हमें जिसकी आदत है, जो हम बचपन से अपना देखते आए हैं, या जिस ट्रेडिशनल वे में हम अब तक पढ़ते आए हैं, उसमें हम अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से हमें मोटिवेशन की बहुत नीड है, क्योंकि जब जिस चीज में हमें उलझना पड़ता है, जूझना पड़ता है, तो उससे हम जब रिजिड करते हैं तब उसके साथ एडजस्टमेंट बिठाने में हमें दिक्कत आती है। यही चीज इस वक्त हमारी लॉकडाउन और ऑनलाइन लर्निंग के साथ हो रही है। तो इसमें मोटिवेशन की हमें इसलिए जरूरत है कि जैसे जैसे हम उसको एक्सेप्ट करते जाएंगे, उसको हम अपने अंदर समाते आत्मसात करते जाएंगे, वैसे वैसे ही हमारा जो सिस्टम है या जो मोटिवेशन है वो अपने आप आता जाएगा। इसको आदिल मंसूरी साहब हैं, उन्होंने एक शेर में खूब कहा है कि किस तरह जमा कीजिए अपने आप को, किस तरह जमा कीजिए अपने आप को, कागज बिखर रहे हैं पुरानी किताब के। तो जो ट्रेंड था वो चेंज हो रहा है, हो चुका है ऑलमोस्ट। अब हमें जो नया सिस्टम है उसमें अपने आप को एस्टेब्लिश करना है, इसीलिए हमें उसमें मोटिवेशन की नीड है।
बिल्कुल सर, तो उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट्स बहुत जल्दी अडाप्ट कर लेंगे जैसा कि आपने कहा। लेकिन अगर हम मोटिवेशनल स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करें, अब जब हमें पता चल गया है कि मोटिवेशन की ज़रूरत है तो हमें स्ट्रैटेजीज पर भी बात कर लेनी चाहिए, तो सर क्या आप कुछ स्ट्रैटेजीज बताएंगे जो बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी? बिल्कुल, स्ट्रैटेजीज सबसे इम्पॉर्टेंट बच्चों के लिए ये है कि उनको एडजस्टमेंट, उससे ज्यादा उनको एडजस्टमेंट करना होगा, उससे ज्यादा उनके पेरेंट्स या जो टीचर्स हैं उनके ऊपर एम्फसाइज होगा कि टीचर्स अपने जो उनके पास कंटेंट है उसको इंटरेस्टिंग बनाएं। साथ के साथ उसमें कुछ स्ट्रैटेजीज हैं कि उनको प्रोवाइड टाइमली उनको फीडबैक और इमोशनल फीडबैक देना होगा, जिससे होगा ये कि जब उनको इमोशनल फीडबैक मिलेगा तो वो बहुत अच्छे से आपकी बात सुनेंगे, आपने इंटरेस्ट दिखाएंगे, उनको ऐसा लगेगा कि सिर्फ ये लेक्चर नहीं हो रहा है या फिर ये क्लास नहीं हो रही है, उसमें वो अच्छा खासा अपना अटेंशन देंगे, जो कि ऑनलाइन लर्निंग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सेकेंडली, इजी एक्सेस टू रिसोर्सेज, उन्हें रिसोर्स के लिए हमें इजी प्रोवाइड कराना होगा, जिससे कि वो सिर्फ बुकिश या जो उसमें एग्जांपल्स दिए हैं उन पर ही डिपेंड ना रहे, उनको यूट्यूब के वीडियोस हैं, विकिपीडिया है या जो रिसर्च पेपर है उनसे भी हमें उनको बोलना होगा कि वो अपना देखें और उनसे अपनी हेल्प लें। थर्ड वन, कि जो उनका कंटेंट है उसको एनिमेशन के सहारे, एनिमेशन की हेल्प से उसको बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइज करना होगा कि उसमें उनका इंटरेस्ट बना रहे, उसमें चाहे वो गूगल पिक्स की हेल्प ले लें, चाहे वो 3D एनिमेशन में अपने जो कार्टून्स की हेल्प ले लें, किसी भी सोर्स से उनको वो इंटरेस्टिंग बनाना होगा, ताकि जो हेल्प हो बच्चों को, जो उनको एग्जाम्पल्स हो वो बहुत अच्छे से उनके अंदर बैठ जाए। और उसके साथ ही टीचर्स को फनी एक्टिविटीज करानी चाहिए, जिससे कि उनकी क्लास बोरिंग ना हो, उनको ये ना लगे कि बस क्लास हो रही है उसके बाद वो एक जो लेजीनेस आ जाती है वो उनकी खत्म हो, साथ के साथ उनको इंटरेस्टिंग के लिए उनके साथ एक्टिविटी, जैसे फनी साउंड एक्टिविटीज है या रिवॉर्ड एक्टिविटीज है, ये सारी एक्टिविटीज उनको अपने ग्रुप में या अपनी क्लास में, हर क्लास में उनको अपना करना चाहिए। साथ ही टीचर को एंथुजियाज्म के साथ अपनी क्लास को उस टाइम प्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि आजकल हम सभी इस चीज से सीख रहे हैं, टीचर भी सीख रहे हैं, बच्चे भी सीख रहे हैं, तो दोनों में ऐसा नहीं कि अपने आप में कोई परफेक्ट है, हर कोई सीख ही रहा है। तो जो एक लेजीनेस आ जाती है कि रोज क्लास और ऑनलाइन क्लास में उतनी एक्टिविटी तो होती नहीं है जो हमारी क्लास में है, तो बच्चों के लिए जो उसमें हेल्प होगी वो तो ये होगी कि जो टीचर है वो बहुत इंटरेस्ट के साथ अपनी क्लास को उसमें प्रेजेंट करे बच्चों के सामने, ताकि बच्चों को उसमें इंटरेस्ट आए। मैम, ओके मैम, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी इसमें? हाँ तन्वी, हमने बहुत कुछ और बड़े अच्छे से उस चीज को सहजता से मेरे ख्याल से पहुंचा दिया है जी। कि हम सब एक नए तरीके से जूझ रहे हैं, एक नए तरह की परेशानी से, हम क्या हमारे साथ हमारे बच्चे भी जूझ रहे हैं, और इसको करने के लिए देखेंगे तो काफी सारी चीजें हमें करनी पड़ेगी। एक्चुअली जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो नहीं है, तो हम हिस्ट्री में जाकर अगर उसकी तरह से सोल्यूशन निकाल रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। मैंने जितना ऑब्जर्व किया कि ऑनलाइन लर्निंग मोड में अभी भी हमारे पास वर्कशीट्स एंड असाइनमेंट आर फॉलोइंग द सेम पैटर्न जो नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग में हो रही थी जी। जिसकी मुझे लगता है कि अगर प्लेटफॉर्म बदला है तो थोड़ा सा टीचर्स को थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा, दैट इज डेफिनेटली अ स्ट्रेसफुल जॉब, बट उसका निकल के बहुत ब्यूटीफुल कुछ आएगा। तो क्यों नहीं, जैसे सर ने शेयर किया है कि हम ह्यूमर का जो कि मिसिंग है क्लास से, ऑनलाइन क्लासेस से, जब हम क्लास में वन टू वन कॉन्टेक्ट में होते थे तो देयर वर लॉट्स ऑफ अदर थिंग गोइंग ऑन जो बच्चे को की एनर्जी को कीप अप रखता था क्लासरूम एनवायरमेंट से, पर अब बच्चों की एनर्जी मैचअप नहीं हो रही है। मतलब सिटिंग ऑन अ सिस्टम फॉर अ लॉन्ग टाइम इज नॉट समथिंग यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अ यंग किड, दे हैव लॉट्स ऑफ एनर्जी, दे हैव लॉट्स ऑफ एनर्जी। सो आप देखिए उनको उस तरह से उस तरफ रुझान लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे उनका इंटरेस्ट उस तरफ क्रिएट हो, राइट? तो उसके लिए डेफिनेटली आप ह्यूमर का यूज कीजिए, रिवार्ड सिस्टम का, जैसे कि सर ने शेयर किया, रिवार्ड के लिए हम पहले भी यूज करते थे क्लास, we are also doing that clap in the classroom, in the now we are doing it in the online learning, but online learning mein bachcho ko jo ki chote bachche hain unhe samajh nahi aa raha hai, wo relate nahi kar pa rahe hain ki kis act pe unko kis cheez ke liye reward mil raha hai, kyunki worksheet unhone do din pehle jama ki hoti hai aur good unko do din baad sunne ko mil raha hai, to unko itna association nahi ban raha hai, to iske liye bhi teachers ko thode se way out dhoondne padenge। this is a virtual platform jis pe
नई नई टेक्नोलॉजी भी आ रही है, अभी पिछले सेशन में भी LMS की बात की गई है, तो देयर आर डेफिनेटली गुड फीचर। अगर आप देखेंगे इस वक्त हम जूम प्लेटफॉर्म कर रहे हैं, उसमें भी एक रिएक्शन का ऑप्शन है। इस तरह जो भी फीचर टीचर यूज कर रहे हैं उन सब में कुछ ना कुछ ऐसे फीचर हैं जो कि इमीडिएटली पॉपअप करके वो उन बच्चों को रिवार्ड उसी वक्त पे दे सकते हैं, जिससे बच्चे रिलेट भी करें और समझ पाए कि किस एक्टिविटी के साथ है। द मूवमेंट एक्टिविटी विल बी सबमिटेड इफ रिवार्ड विल बी एसोसिएटेड देयर, बच्चे रिलेट कर पाएंगे किस बिहेवियर के लिए उन्हें रिवार्ड मिल रहा है, अदरवाइज दे आर कंफ्यूज और वो मोटिवेट इसीलिए नहीं हो पा रहे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किस चीज के लिए कर रहे हैं। ये मैं छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ। अगर हम बड़ों की तरफ जाते हैं तो डेफिनेटली सोशल ग्रुप एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बच्चों के लिए हो जाता है। तो वी आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म की सोशल लाइफ मिसिंग हो गई है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, बट डेफिनेटली वी कैन क्रिएट इट हेयर। वी कैन असाइन ग्रुप वर्क टू द स्टूडेंट्स, वी कैन ब्रेक रूम्स इन द जूम प्लेटफॉर्म, वी कैन फाइंड अदर वेज जिसके थ्रू अ पीयर लर्निंग में ज्यादा इन्वॉल्व हो। एवरीबडी हैज फोन, अगर वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो उनपे टेक्नोलॉजी के रिसोर्सेज भी हैं, तो कुछ ना कुछ इस तरह के टास्क उनके लिए क्रिएट किए जाए जिसके थ्रू वो अपने पीयर से कनेक्ट करें। इसके थ्रू क्या होगा कि उनका सोशल जो लैक हो रहा है वो भी ज्यादा कनेक्ट होगा और जो पीयर रिवार्ड सिस्टम होता है वो भी उन्हें मिलना शुरू होगा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मिसिंग हो गया, राइट। तो इस तरह कई सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज है जिनकी हम बात कर सकते हैं, जो कि यस थोड़ा नया प्लेटफॉर्म, थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा और क्रिएट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इट विल बी डेफिनेटली बी डन, राइट। राइट मैम, बट मैम क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं, बच्चे अपने घर के अंदर बैठे हैं, तो पेरेंट्स का भी इक्वल इन्वॉल्वमेंट है, और अगर पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं तो उनके ऊपर भी काफ़ी लोड है क्योंकि घर भी है और साथ में बच्चों की क्लासेस भी है, सो इट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन देम एज वेल। सो उनको ऐसा क्या करना चाहिए जो वो ये इक्वेशन बैलेंस भी कर पाए और अपने बच्चों को साथ साथ में मोटिवेट भी कर पाए, पुश कर पाए कि ऑनलाइन क्लासेस अभी उन्हें करनी ही होंगी जब तक स्कूल्स बंद हैं, तो पेरेंट्स के लिए आप कुछ बताना चाहेंगी? बिल्कुल तन्वी, ग्रेट, एंड इनफैक्ट यू हैव रियली शोन अ वेरी गुड कंसर्न फॉर देम। पेरेंट्स मस्ट बी वेरी हैप्पी आपको सुनने के बाद। आपने एक्चुअली वो एम्पैथी दिखाई है जो कि मिसिंग है पेरेंट्स के लिए। बच्चों के लिए हम सब दिखा रहे हैं लेकिन पेरेंट्स आर ओवरवर्क, और वो ओवरवर्क के कारण जो फ्रस्ट्रेशन है वो डेफिनेटली पेरेंट्स में ही नहीं बच्चों में भी पास ऑन हो रही है। तो वी हैव टू कंसीडर दिस फैक्टर ऑल्सो कि ओवर शेड्यूलिंग आप अपने काम का या बच्चों के काम का प्लीज मत कीजिए। बी लिटिल जेंटल ऑन योर सेल्फ, बी लिटिल जेंटल ऑन योर किड एंड बी लिटिल जेंटल ऑन योर टीचर्स ऑल्सो। पेरेंट्स आजकल टीचर्स को लेकर भी बड़ा कंप्लेन कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा है ऐसा नहीं कर रहे, दे आर ऑल्सो इन टू द प्लेटफॉर्म। सो प्लीज थोड़ा सा हम लोगों को अपनी पेस को स्लो डाउन करना पड़ेगा एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ओवर शेड्यूलिंग ना हो, क्योंकि बच्चे में अवर्जन क्रिएट हो गया लाइव लर्निंग के प्लेटफॉर्म को लेकर, तो दे विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म वेल इन द कमिंग मंथ्स, राइट, इन द फ्यूचर ऑल्सो। तो ये सारी चीजें जरूर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये सारा फैक्टर ऐसा है कि खुद को भी परेशान कर रहा है और दूसरों को भी कर रहा है। तो प्लीज शेड्यूलिंग कीजिए, टास्क की शेड्यूलिंग कीजिए, अपने टास्क की भी शेड्यूलिंग कीजिए और अपने बच्चों के भी टास्क की शेड्यूलिंग कीजिए, पर ओवर शेड्यूलिंग मत कीजिए। ओवर शेड्यूलिंग इज हार्मफुल, दैट इज डीमोटिवेटिंग। जो हमारी मोटिवेटिंग की बात कर रहे हैं वो डीमोटिवेटिंग है। इट्स लाइक अ प्रेशर, आपको एक बहुत बड़ा पत्थर बच्चों को उठाने के लिए अगर आप देंगे तो वो कोशिश भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप एक स्टेन से शुरुआत करेंगे तो स्टोन वो उठा सकते हैं। तो प्लीज असेस योर एबिलिटी, असेस देयर एबिलिटी एंड असेस द चैलेंजेस आल्सो ऑफ न्यू प्लेटफॉर्म। तो वो उनको करना होगा, थोड़ा सा टाइम है लेकिन एक्सेप्ट इट। ओके ओके सर, आपके पास कुछ टिप्स, कुछ एडवाइसेस होंगी पेरेंट्स के लिए? जी बिल्कुल, ये बहुत, अभी मैम ने जैसा कि जो ने कहा कि ये बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम सिर्फ बच्चों के बारे में सोच रहे हैं जी, पेरेंट्स के ऊपर भी उतनी ही जिम्मेदारी है, उतना ही बर्डन है। तो पेरेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो कॉज को ध्यान में रखें, उन्होंने ये वो क्यों कर रहे हैं। अगर ऑनलाइन लर्निंग है या ऑनलाइन क्लासेस हैं या ऑनलाइन शेड्यूलिंग है तो वो क्यों है, वो उनके ऊपर प्रेशर नहीं है, वो उनके ऊपर बर्डन नहीं है। इस पेंडेमिक से हम सभी जूझ रहे हैं, हम सभी उसको फेस कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा एक उसके पीछे मोटिव है, एक रीजन है, उसी के सहारे वो अपना काम कर रहे हैं। तो वो अपने बच्चों के लिए वो ये ध्यान में रखें कि इन्हें हम अगर ऑनलाइन क्लासेस हम करा रहे हैं, ये इनके ऊपर हम थोड़ा सा प्रेशर दे रहे हैं, तो हम क्यों दे रहे हैं, एक रीजन है, एक सिस्टम है। दूसरा कि वो अपने बच्चों के ऊपर प्रैक्टिकल गोल सेटिंग करें,
ऐसा नहीं हो कि वो सुबह से शाम तक उन्हें अपना शेड्यूलिंग कर लें कि तुम्हें ये करना है, ये करना है, ये करना है। हर बच्चे की एक लिमिटेड स्ट्रेंथ होती है, उससे उतना ही काम लिया जाना चाहिए। हम अपना फ्रस्ट्रेशन भी बच्चों पे निकालते हैं, बच्चों का भी वो उसमें भी अपना रह जाते हैं। तो एक प्रैक्टिकल गोल सेटिंग कि उसमें हर चीज प्रॉपर हो, उनके खेलने का भी उसमें टाइम शेड्यूल हो, उसमें उनके सोने का भी हो, उनकी अदर एक्टिविटीज का भी हो। क्योंकि अब हमारी अधिकतर एक्टिविटीज जो है वो हमारी घर पर हो रही है, बाहर तो हमारा जाना हो नहीं रहा। तो ऐसे में एक प्रैक्टिकल गोल सेटिंग होनी चाहिए। थर्ड ये है कि पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम ऑलमोस्ट मार्च से हम लोग अपने अपने घरों में ही हैं, तो पेरेंट्स को हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग से बचना चाहिए। उसमें कि हर वक्त वो उनके ऊपर जो एक टाइट निगरानी रखते हैं कि आप क्या कर रहे हो, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो, उनको तो उनकी जो अपनी स्पेस है उस पर भी उन्हें ध्यान देना चाहिए, ताकि एक प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग, एक गैप बना रहे, एक उनकी लेयर बनी रहे, कि पेरेंट भी अपने को उसमें इतना इन्वॉल्व ना करने कि वो ही खुद बच्चे बन जाए या फिर बच्चे बड़े हो जाए। हर चीज की अपनी एक लेयर है, हर चीज का अपना एक सेक्शन है। उसके बाद उनको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल करने में उनको हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि आजकल हर कोई अपने वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। पेरेंट्स के बाद अपना अपना लैपटॉप होता है, किसी की डे शिफ्ट होती है, किसी की नाइट शिफ्ट होती है, ऐसे में बच्चा सफर कर रहा है। तो ऐसे में अगर उसकी उसकी क्लासेस हैं, उसका अपना कोई काम है, अब ऐसे में आपकी कॉल है या कोई म्यूजिक प्ले कर लिया या फैमिली में आपके अदर तरह से शोर हो रहे हैं, तो ऐसे में जब आपको ये है कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है या सो रहा है, तो उसको प्रॉपर टाइम दें, जिससे कि जो उसकी जो अपब्रिंगिंग है वो अच्छे से हो जाए। क्योंकि ये दौर हम सभी के लिए अजीब है। अजीब इसलिए कि ये हम सभी की अपनी 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 जिंदगी में पहली बार आया है, और जो बच्चे हैं वो तो रीजन भी नहीं जानते कि हमारा साथ ऐसा हो क्यों रहा है, अच्छा खासा स्कूल जाते थे अब क्यों नहीं जा रहे हैं। और उनको हम समझा भी नहीं सकते प्रॉपर कि क्यों आपको बाहर नहीं जाना है। तो एक प्रॉपर एक उनको स्ट्रेसिंग, एक उनका जो स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए पेरेंट्स का रोल उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना टीचर्स का है। साथ में कि परफेक्शन को जो एक मिथ है हमारे बीच में कि हमारा बच्चा परफेक्ट हो, इसीलिए हम उस पर इतना मतलब जोर डालते हैं, इतना उसे एम्फसाइज करते हैं कि आप ये भी करो, ये भी करो, तो परफेक्शन वाले थॉट्स से उनको बाहर आना होगा। परफेक्शन इज अ मिथ। सिर्फ एक प्रॉपर सर्टेन वे में अपब्रिंगिंग, बहुत हेल्दी वे में, क्योंकि बहुत कुछ चेंज हो चुका है। ऐसे में बच्चे के ऊपर अपना जो उसके एक जो अपने स्कूलिंग थी, उसका जो एक अपना अलग वर्ल्ड था, उसमें उसके दोस्त थे, उसके अपना खेलना कूदना, जो इतना जो उसकी सोशलाइजेशन एक्टिविटीज थी वो इस टाइम सारी बंद है। ऐसे में आप उसको सिर्फ इसलिए कि हमारे साथ रह रहा है इसीलिए उसको हम एकदम परफेक्ट बना देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स को थोड़ा सा अपने कल बच्चों को अपना टाइम दें, थोड़ा सा उन्हें स्पेस दें, उन्हें समझाएं, उनसे प्यार से बात करें। और साथ ही पेरेंट्स को सबसे इंपॉर्टेंटली ये समझना चाहिए कि एक शेर कहा है शायर कैफी साहब ने कि पढ़ाई चल रही है जिंदगी की, पढ़ाई चल रही है जिंदगी की, बस्ता उतरा नहीं है अभी हमारा। तो ये थॉट उनको हमेशा ध्यान में रखना होगा कि उनकी पढ़ाई अपने बच्चों के साथ भी चल रही है और उनकी अपनी जिंदगी में भी चल रही है। क्या बात है सर, शेर एकदम परफेक्ट फिट कर रहा है इस सिचुएशन पे। मैम, मेरा अगला सवाल आपसे है कि ऑनलाइन लर्निंग मोड चल रहा है, तो उसमें सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग को पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो उसके चलते हम बच्चों को कैसे मोटिवेट किया जा सकता है? बिल्कुल, सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग ही सारी हो रही है तस्वीर। एंड आई वाज सो मच इनटू द थिंग जो प्रतीक जी शेयर कर रहे थे यहाँ पर, दे आर एक्चुअली वेरी यूजफुल। एंड उन्होंने भी बड़ी अच्छी बात की, परफेक्शन इज अ मिथ, तो बच्चों को भी जानने की जरूरत है। परफेक्शन इज नॉट ओनली मिथ, इट इज अ सीवियर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट एक इंसान जो खुद को दे सकता है। इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। एक इंसान बहुत अच्छा गा सकता है और एक इंसान बहुत अच्छा ड्रॉ कर सकता है, एक इंसान बहुत अच्छा मैथ्स कर सकता है। हर इंसान किसी ना किसी चीज में यूनिक है, बट इफ यू वॉन्ट यूर सेल्फ टू बी परफेक्ट इन एवरीथिंग, डेफिनेटली यू हैव नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, और वो सब्जेक्ट इसलिए हैं कि आप अपने आप को एक्सप्लोर करें जी, आप डिफरेंट स्किल्स को लर्न करें। तो सेल्फ रेगुलेशन जब आप कर रहे हैं तो प्लीज परफेक्शन की तरफ मत जाइए,
अपनी पेस पर चलिए, कोशिश कीजिए जहां आप खड़े हैं उससे अगले स्टेप पर आप आगे बढ़े, लेकिन कंपैरिजन मत कीजिए, राइट? क्योंकि सब हमारे साथ हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हमने असाइनमेंट फिट करने हैं एंड दे शुड बी 100% करेक्ट. आपको जितना समझ आ रहा है उतना कीजिए, अपने टीचर्स से अभी भी सपोर्ट लीजिए, दे आर हेयर टू सपोर्ट. ओके मैम, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं, सेशन खत्म करना होगा. जाने से पहले आप बच्चों को कुछ एडवाइस, कुछ टिप्स देना चाहेंगे? बिल्कुल तन्वी, मैंने तो अभी कहा है कि गो ऑन योर पेस, व्हाटएवर यू आर लर्निंग बी जेन्युइन एंड बी ऑनेस्ट विद योर लर्निंग. अगर आप फेक करेंगे तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे. योर टीचर स्टिल शुड नो कि आप कितना सीख रहे हैं. तो प्लीज बी ऑनेस्ट विद योर टीचर्स ड्यूरिंग ऑनलाइन लर्निंग एज वेल. एब्सोल्युटली. Sir, do you have any message, any positive message for our viewers and students? Definitely. सबसे पहले तो ये कि सारे जो students हैं उनका ये है कि आप अपना काम proper करें. पढ़ना तो आपको है ही, ठीक है. बस ये है कि ये एक जरिया खोजा है कि आप घर बैठे भी अपना पढ़ाई कर सकें. तो अपने टीचर्स के साथ अच्छे से पेश आइए, अपना सिलेबस, अपना होमवर्क जो भी है वो अपनी ईमानदारी के साथ सॉल्व करिए, सोइए खूब, अच्छा खाइए, अच्छा खेलिए जो आप खेल सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे सभी काम उतने ही जरूरी है, शायद उससे भी ज्यादा, जो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में किया करते थे. अब जो चेंजेस आए हैं उनको एक्सेप्ट करिए, बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से उनको एक्सेप्ट करिए और अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए. सीख दोनों ही रहे हैं, टीचर्स भी सीख रहे हैं, पेरेंट्स भी सीख रहे हैं और बच्चे भी सीख रहे हैं. तो हर किसी के सीखने की इज्जत रखिए. किसी के साथ नहीं कि आपको ये नहीं आता, हमें ये नहीं आता, थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश करिए, टीचर्स भी, पेरेंट्स भी और बच्चे भी. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस वंडरफुल सेशन. हमारे जितने भी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स ने ये देखा होगा, उन्हें बहुत कुछ समझ आया होगा. और जो भी आपने टिप्स, एडवाइजेस दिए, वो आजकल क्योंकि लर्निंग मोड चल रहा है, ऑनलाइन लर्निंग मोड, तो वो उसमें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, मैं उम्मीद करती हूँ. थैंक यू आप दोनों का. थैंक यू मैम. थैंक यू आप सभी का. आपने ये सेशन देखा, आपने सवाल भी पूछे और आपके सभी सवाल उम्मीद करते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स ने अच्छे से आंसर किए होंगे. अगर फिर भी आपसे कुछ छूट गया है, आप और कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमेशा हमें भेज सकते हैं. ईमेल आईडी है cieet.kishoremanch@gmail.com. आपके सवालों का हम हमेशा इंतज़ार करते हैं. और आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा ऐप किशोर मंच. अगर आपने पुराने सेशंस मिस कर दिए हैं तो आपको वो सभी सेशंस उस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, आप वो भी देख सकते हैं. देखते रहिए एनसीईआरटी का ऑनलाइन रिसोर्स मटेरियल, क्योंकि हम रोज़ आते हैं आपके लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स, बहुत सारे टॉपिक्स लेकर, अलग अलग लेवल के स्टूडेंट्स के लिए. तो इससे ये फ़ायदा है कि आपकी पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा और हम लेकर आते रहेंगे कल भी सेम टाइम पर. तो आप देखते रहिए और अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, खेलिए कूदिए, लेकिन हाँ, स्टे सेफ एंड स्टे प्रोटेक्टेड. थैंक यू, नमस्ते.